दीपिका तो बहुत अच्छी है, बेशरम रंग बहुत अच्छा है, तो सब पे चढ़ गया है। इट वॉज रियली गुड एंड डायलॉग वॉज रियली नाइस। फ्यू थिंग्स वर लाइक थोड़ा सा काइंड ऑफ थोड़ा सा फेक सा लगता है, जो लाइक बिल्कुल जब शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स देयर करण अर्जुन फॉर एवरीबडी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतने सालों से इंतजार करवा रहे खान साहब ने, लेकिन अब जब हमने देखी है मूवी, हमको तो वैसे यकीन ही था। बहुत अच्छा, मतलब जितने पैसे खर्च सको खर्चो, बार बार देखो। हम अभी बैक टू बैक दूसरा शो देख के आ रहे, सुबह देखी अभी देखी। अब इतने साल इंतजार किया तो इतना तो बनता ही, अभी एक और देखेंगे शाम को क्योंकि दिल नहीं भरता। एक तो सबसे पहले तो उनकी एकदम जो हस्की सी वॉइस है वो बहुत अच्छी है, और ऊपर से डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। मतलब ट्रेलर और टीजर के सीन्स को हम इतने अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। उनकी जो पुरानी मूवीज़ के कुछ डायलॉग्स हैं और कुछ झलक ऐसी है दिखाते हैं जिससे हमको पुरानी उनका मूवीज़ याद आ जाती है। और दीपिका तो बहुत अच्छी है, बेशरम रंग बहुत अच्छा है, जो सब पे चढ़ गया है तो बहुत अच्छा। सलमान खान की बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी। जो कल शाहरुख ने बोला था कि रोमांस और ब्रोमांस दोनों है, तो एक्शन के साथ रोमांस ब्रोमांस सब कुछ है और बहुत अच्छी मूवी है। शाहरुख खान ऐसे स्टार है ना, उनको मतलब जितने स्टार दो उतने कम है। मतलब किंग का कमबैक है, वो किंग स्टाइल ही होना था, तो ये बहुत अच्छा है। वेरी गुड जी। मतलब हम तो ऐसे उनके केमियो देख के, ब्रह्मास्त्र का केमियो देख के इतने खुश हो गए थे कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए हम गए थे, तो अब इस मूवी के लिए इतना इंतज़ार किया है और अब लग रहा है सब कुछ वर्थ था इतने साल जो इंतज़ार करवाया। पर अब उन्होंने अपने फैंस को इतना प्यार और इतनी खुशियाँ दी है, तो वो सब कुछ मतलब चल गया। मतलब 4 साल का वेट पूरा वर्थ था, बहुत अच्छा था, बहुत फुल पैसा वसूल। बहुत अच्छी लगी, जो देश के ऊपर पिक्चर बनाई गई है बहुत सुपर हिट। एक्शन वगैरह कैसा? बहुत वेरी नाइस। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों साथ में, हमारी जान। क्या बात है मैडम, आपको कैसी लगी? फाइनली पठान देख ली है आपने, आप तो बहुत एक्साइटेड है। How was the experience while coming out? It was really good and dialogue was really nice. Few things were like थोड़ा सा kind of थोड़ा सा fake सा लगता है, जो like jumping off the bridge वो वाला तो होता ही है, तो overall it was good. क्या बात है, सलमान खान एंड शाहरुख। हाँ, दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग व्हेन सलमान एंड शाहरुख वर टुगेदर। एंड जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया कि कबीर पठान, हाँ वो दोबारा आने वाली, वो साथ में आने वाली है शायद, हाँ वो भी इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। व्हाट डू यू से अबाउट द एक्शन सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, मास मसाला, पैसा वसूल? हाँ पूरा। हाउ मेनी स्टार यू विल गिव आउट ऑफ 5? 4। वन वर्ड फॉर पठान? पठान ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट, व्हाट डू यू से? इट वॉज अमेजिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज शाहरुख खान की बहुत टाइम के बाद मूवी आई है, तो जैसा कि आप यहाँ पे भी आपने माहौल देखा है, पीपल आर जस्ट क्रेजी एंड ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा है। सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब एक्शन सीक्वेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो आपको पूरी मूवी होल्ड करके रखेगा। अगर डायलॉग्स इतने नहीं भी हैं, सिर्फ एक्शन एक्शन देख के ही आप यू नो आप पूरा इन्जॉय करोगे उस चीज़ को। VFX वॉज अमेजिंग, शॉट्स शॉट बाय शॉट अगर मैं बात करूँ, कैमरा वर्क बहुत अच्छा था। आई लव्ड इट। व्हाट्स द बेस्ट थिंग इन द सीइंग सलमान खान एंड शाहरुख खान टुगेदर इन वन स्पेस, इन वन स्क्रीन? बिल्कुल। जब शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दे आर करण अर्जुन फॉर एवरीबडी। एकदम पैसा वसूल। सॉरी, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाइए पठान देखिए और आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, थ्रू आउट मूवी आपको होल्ड करके रखेगी। सो या प्लीज़ गो एंड वॉच पठान। ऑफकोर्स मैं वही बात दोहराना चाहूँगी, जब सलमान खान शाहरुख खान को रेस्क्यू करने आता है, वो सबके लिए
सरप्राइज था, वो किसी को आइडिया भी नहीं था क्योंकि ट्रेलर टीजर और प्रमोशन कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया था कि सलमान खान इज़ गोइंग टू बी देयर। और जब शाहरुख एक मुसीबत में पड़ जाता है तो सलमान खान कम्स टू रेस्क्यू हिम, माइंड ब्लोइंग। आई वुड गिव 4। या हर चीज़ अगर मैं परफेक्ट बोल दूंगी तो उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो प्लीज़ आप सब जाइए और पठान को प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।